बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं टोबैको को बंद करें या कुछ भी, लेकिन जब फिल्मों की बात आ रही है, जैसे उड़ता पंजाब में ड्रग्स को लेकर बातें हो रही हैं, जब खुल के बात वहाँ पे फिल्म प्रेजेंट की जा रही है, तो इतनी आपत्ति आपके लिहाज से आप एज अ डायरेक्टर किस तरह देखते हैं, जब वो भी एक अवेयरनेस के लिए ही फिल्म बनाई गई है? वो प्रॉब्लम सेंसर का, सेंसर बोर्ड का एक्चुअली, एंड प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या है वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है. अगर आप वो लिस्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि पंजाब निकाल दो, एमएलए नहीं बोलेंगे, एमएलसी नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह. एंड व्हाई दे आर डूइंग दैट नोबडी नोज. दैट्स व्हाट इफ यू सी अनुराग एंड एकता एंड एवरीवन आर क्वेश्चनिंग द सेंसर बोर्ड के व्हाई. एंड जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो न्यूज़ चैनल्स में देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सेंसर बोर्ड को या किसी संस्था ने लेटर नहीं भेजा है. They are doing it on their own, and why they are doing it, we really don't know. My only thing is, what I'm worried of is, as a director and a producer, like when you make a film, a lot of money has been spent, and बहुत लोगों की मेहनत होती है. The film was supposed to release on Friday. I don't know what has happened today, and what they must be going through, they only know. It's like, you know, to talk about an issue के उड़ता पंजाब को लेके जो भी हो रहा है, is a different thing. न्यूज़ चैनल्स के लिए, पेपर के लिए, मीडिया के लिए, बट वो जो टीम जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू वॉट आई कैन अंडरस्टैंड एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, बिकॉज द रिलीज वॉज सपोज टू हैपन ऑन फ्राइडे. अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इफ दे डोंट गेट द सर्टिफिकेट बाई टुमारो डे आफ्टर, दे वोंट बी एबल टू रिलीज द फिल्म. सो यू नो, एंड इट इज ऑलवेज बीन हैपनिंग विद अस नाउ. And the problem here lies is that we all need to come together. I'm talking about the industry, and solve this problem once and for all. It will take time. Gradually, people have started raising their voices, and people are being heard. It will take a little time, but it will happen for sure. विवेक, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोग ये भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है भारत के सरकार का भी पहलाज नीलानी को लेकर, तो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? आप किस तरह देखते हैं? और आप लगातार अवेयरनेस की बात करते रहते हैं, तो उसमें ड्रग्स को लेकर अवेयर जब पिक्चर कर रही है, तो लोगों को दिखाने में क्या आपत्ति है? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ. और जैसे रोहित ने कहा कि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संस्था ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ये सेंसर बोर्ड का एक अपना आई थिंक इनिशिएटिव है, एंथुजियाज्म ज़्यादा है. और हम भी कुछ महीने पहले मिले थे राज्यवर्धन राठौर जी से, एंड मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत प्रो इंडस्ट्री हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी पनपे. और इंडस्ट्री में जैसे रोहित ने कहा कि अगर आप एन मौके पर, जब रिलीज़ का समय है, जब पैसे लग चुके हैं, मेहनत लग चुकी है, प्रमोशन चल रहा है, एन मौके पर अगर आप कोई चीज़ ऐसे बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, तो दैट्स वेरी अनफेयर एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इंडस्ट्री. आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई पाबंदी लगाते हैं, तो इंडस्ट्री को बोलते हैं कि आप ये चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब मैन्युफैक्चर हो जाए और दुकान में बेचने का समय आए, तब आप बोलते हैं कि नहीं बेच सकते, दैट्स नॉट फेयर. तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है, एंड वी होप दैट इंडिया मूव्स फ्रॉम सेंसरशिप टू सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन इज वॉट द सेंसर बॉडी इज सपोज टू डू. वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका दायित्व है, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग बियॉन्ड जो दायरा उनको दिया है, उससे कुछ ज़्यादा आगे जा रहे हैं. सो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस गवर्नमेंट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, दे विल मेक श्योर दैट स्वीपिंग रिफॉर्म्स आर ब्रॉट इन.